ये परंपरा यही है कि राष्ट्रीय पार्टी में राज्यसभा के लिए कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा इसका निर्णय AICC के अध्यक्ष जी हमारा शीर्ष नेतृत्व को कर तय करता है। जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको यहाँ से जीत करा के भेजेंगे। और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं। कल दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, तो सभी 25 सीटों पर हमने बहुत खुले माहौल में चर्चा करी और अच्छी चर्चा रही। साथ में सब लोगों से फीडबैक लिया, जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट्स थी वो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट, AICC के पर्यवेक्षक रहे उनकी रिपोर्ट्स और धरातल पर कार्यकर्ताओं की क्या भावना है उसके लिए सब नेताओं ने चर्चाएं करी और दौरे भी किए। तो सबके आधार पर हमने विश्लेषण किया है और सभी 25 सीटों पर एक अच्छा पैनल हम लोगों ने तैयार किया है। कई जगह एक नाम है, कहीं दो हैं, कहीं तीन नाम भी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है लोकसभा के टिकट वितरण का वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है CEC। और संकेत ये मिल रहे हैं कि बहुत जल्द CEC की मीटिंग होगी और अंतिम मोहर नामों पर लग जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि नए लोगों को, नौजवान लोगों को पार्टी मौका देती है तो हमेशा जनता उस निर्णय का स्वागत करती है। विधानसभा चुनाव में भी जहाँ जहाँ हम लोगों ने नया प्रयोग किया, नौजवानों को मौका दिया, जनता ने अधिकांश जगहों पर हमारे निर्णय को सही माना है और नौजवान लोगों को जिताकर विधानसभा में जाए। लोकसभा में भी मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी ये पार्टी से मैंने आग्रह भी किया है कि नए लोगों को, अच्छे लोगों को, साफ छवि के लोगों को मौका दे जो जनता में काम कर रहे हैं। बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो जो लोग लगातार जनसंपर्क करते आए हैं उन लोगों को पार्टी को मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी, खरे जी भी ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी में जो जागरूक समर्पित कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े हैं, उन लोगों को मौका देंगे तो ये एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। राजस्थान के लोग में भी नहीं बीते दिन DCC ने यहाँ मीटिंग की, प्रभारी आए तब एक नाम पर सहमति बनी कि चुन सकते हैं चुनाव क्या लगता है। और सारे प्रपोजल आए हैं हमारे पास और मैंने कहा ना सब जगह पैनल तैयार किया गया है। हर जिले की, हर लोकसभा क्षेत्र की अलग परिस्थिति है और विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, उसका फीडबैक भी, आंकड़े भी हैं, वहाँ पे कहाँ कमी रह गई थी, किस क्षेत्र को साधना है भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पॉलिटिकली, वो सब लंबी 3 घंटे चर्चा करी हम लोगों ने। और जो जो नाम लिया है उस सब पर एक एक नाम पर चर्चा करने के बाद ही पैनल तैयार किया गया है। और इसमें अंतिम मोहर कांग्रेस आलाकमान और CEC लगाएगी। और जैसे मैंने कहा, संकेत यह है कि हम चाह रहे हैं कि इस बार जल्दी हो जाए क्योंकि लोगों को, कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से जो उम्मीदवार हैं उनको प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। क्योंकि लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है। इस चुनाव में पिछले 10 साल में जो BJP ने अपनी सरकार चलाई है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कोलिशन के पार्टनर्स का दबाव नहीं है, अपने मन से पार्टी और सरकार ने चलाई है। सरकार चलाने में 10 साल में प्रचार हुआ है, प्रोपेगेंडा हुआ है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें बोली गई, लेकिन धरातल पर उनमें से कौन सी स्कीम्स कारगर साबित हुई हैं जनता का आकलन कर रही है। 10 सालों में किसान के क्या हाल हैं, जो खेती करते हैं उनके लिए खाद, बीज, बिजली, पानी कितना महंगा हुआ है, MSP पर बार बार कहा गया। और देखिए, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, मैं स्वागत करता हूँ उसका, लेकिन स्वामीनाथन जी ने क्या कहा था, उनकी जो रिपोर्ट है 10 साल में आज उस व्यक्ति की रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर पाए। 3 काले कानून बने, दबाव आया तो कानून ड्रॉ कर लिए, MSP को एक अमली जामा पहनाने की बात की गई थी कि MSP पर कानून बनना चाहिए, अभी तक केंद्र सरकार ने किया नहीं है। अभी फिर किसान आंदोलित है, लगातार चर्चा वार्ता हो रही है, लेकिन वे देखे किसान वर्ग को बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाए इन 10 सालों में, ये एक हकीकत है। नौजवानों के लिए रोजगार की बात BJP ने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार पैदा करेंगे, अब वो कहते हैं साहब नौकरी नहीं, हम रोजगार की बात करते हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन आंकड़ा साफ दिखाता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है इतनी कभी नहीं हुई। तो शिक्षित नौजवान लड़के लड़की आज रोजगार के लिए त्राही त्राही भटक रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा है, मन में असुरक्षा पैदा हो रही है, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक फेलियर रहा है केंद्र सरकार का 10 सालों में। UCC पे बात हो रही है, UCC पे आ रहे हैं, उत्तराखंड के बाद राजस्थान में इस पर चर्चा होने लगी है, आप किस नजर से? देखिए, वो एक उत्तराखंड में उसको पारित किया गया है, मैंने विस्तार से उस बिल को पढ़ा नहीं है, लेकिन UCC को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर, जो जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा था, महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, नौजवानों के भविष्य की, उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए कभी UCC, कभी CAA, कभी
मंदिर, कभी मस्जिद, इन बातों पर चर्चा करते हैं कि उनका एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन देश का एजेंडा क्या है कि आज हम आर्थिक स्थिति हमारी जो है वो और बेहतर हो सकती थी, आज हमारी जो पोटेंशियल है उसको क्या हम पूरी तरह से उसको हम टैप कर पाए हैं, ये तमाम इशू जनता के सामने हैं। और आज राज्य सरकारें दिल्ली में धरना दे रही हैं, केरल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, कर्नाटक की सरकार, कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, फिर सरकारों का पैसा रोक लेते हैं, तो पक्षपात और भेदभाव होता है सरकार का रंग देख के, किस राज्य में कौन सी रंग की सरकार है उतना हम उसको पैसा आवंटित करेंगे। ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो पक्षपात जो हो रहा है ये बड़ा गलत है और इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आता। अब आप व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं, आप आज 10 साल के बाद आप यूपीए सरकार की पॉलिसीज को और उसको कोस रहे हैं। अरे वो 10 साल निकल गए, आपने 10 साल में क्या किया है जनता जानना चाहती है। मनमोहन सिंह की सरकार को गए 10 साल हो गए, इन 10 सालों में एक नई जनरेशन सामने आ गई है, उनके लिए आपने क्या किया है? और जो खाई बढ़ गई है आज अमीर गरीब की, वो कल्पना से परे है। आज जो 80 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज खाना दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कि सिर्फ प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा ये करना ठीक है या नीति निर्माण कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना।